इंजीनियर कोई एक व्यक्ति नहीं है जी, इंजीनियर एक सोच है। जब हमको लगने लगी नहीं जिंदगी यहाँ खत्म है, वही तो एक पॉइंट होता है जिसमें अपने आप को संभाल के रखना। यदि आपने वहाँ संभाल लिया, वातावरण में पर्यावरण में हम जानते जाते हैं तो वहाँ हवा बहती है, क्या इस कमरे के अंदर फैक्ट्स बहते हैं। अब जो नया फेस आता है वो जिम्मेदारी का, परिवार की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, देश की जिम्मेदारी, ये सब चलता रहता है। छोड़ना नहीं है उस चीज को, वही तो एक पॉइंट होता है, टर्निंग पॉइंट होता है। सबसे अच्छे जो लोग होते हैं अपनी जिंदगी में वो होते हैं अपने मित्र। तो आपको कंटिन्यूस मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको सफलता पानी है। कंपेयर किया जाए तो इस लाइब्रेरी से बेस्ट जबलपुर में कोई लाइब्रेरी नहीं है। जिंदगी को संघर्ष ना मान के एक खुशी के साथ जिया जाए तो ज्यादा बेटर। फेलियर नहीं मिलेगी ना तो सक्सेस का मजा भी नहीं आएगा। यदि आपका मूवी की एंडिंग यदि अच्छी होती तो मूवी हिट होती है। कहते नहीं आप कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, आप फल की इच्छा मत करिए, मेहनत करते रहिए, बहुत कुछ सीखते हैं। वो जीवन कैसे जीना है, परिस्थितियों से कैसे लड़ना है। एक इंजीनियर बहुत स्ट्रगल करता है, अपने बहुत संघर्ष करता है अपने जीवन में। एक असल इंजीनियरिंग कॉलेज और थ्री इडियट की मूवी में कितनी समानता दिखाई देती है। चेतन भगत जी लेखक बन गए, और भी लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं, कुमार विश्वास कवि बन गए और एक्टर भी बने हैं, राइट, और मतलब आपके नेता भी मिलेंगे। सुशांत सिंह राजपूत थे, अपने एक्टर थे, आपको नेता पॉलिटिक्स में भी मिल जाएंगे। देखो अभी जो रेल मंत्री है वो भी इंजीनियर थे। जी, तो वही एक जो पॉइंट रहता है, वहाँ आपने आपको संभाल लिया तो आप निकल गया। शहर में रात में या दोपहर में आबुदाना ढूंढता हूँ, मैं आसियाना ढूंढता हूँ। मेरे साथ भी यहाँ पर दो दीवाने हैं और ये भी एक शहर है, और इन दो दीवानों के पीछे भी दो दीवाने हैं। नाम है रोहित और विश्वास। जो ऐसे भटके नौजवानों को जो अपने आसियाने की तलाश में राह राह गुजर रहे होते हैं, उन्हें एक आसियाना देने की मुहिम में लगे हैं। ये जगह है स्टडी वर्ल्ड लाइब्रेरी, और मेरे पीछे है फ्लड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स और थर्मोडायनेमिक्स जैसी ही यहाँ पर कई सारी पुस्तकें। ये जगह तो छोटी है लेकिन किसी के भी आसियाने बनाने के लिए ये बहुत ही बड़ी जगह है। मेरे साथ दो इंजीनियर हैं, एक तरफ मेरे सिविल इंजीनियर हैं तो दूसरी तरफ मेरे मैकेनिकल इंजीनियर, और इन दो इंजीनियरों के बीच में मैं साहित्य का विद्यार्थी, इनके करियर के बारे में और इनके आसियाने की चर्चा आज मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो स्वागत करता हूँ आप दोनों लोगों का द खबरदार न्यूज पर। स्वागत है आप दोनों का। आपका परिचय आपके शब्दों में जानना चाहिए। मेरा नाम ज्ञानेन्द्र धाकड़ है जी। मैं मुरैना से बिलोंग करता हूँ, एक मुरैना के छोटे से शहर कस्बा है कैलारस से बिलोंग करता हूँ, और मैंने बीटेक किया है ट्रिपल आईटी डीएम से, एमटेक किया है जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। आपका भी परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम अनिल पटेल है और मैं नरसिंहपुर जिले के एक छोटे से गाँव जिसका नाम इमलिया है उससे बिलोंग करता हूँ, और मेरी जो स्टडी रही है वो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से ही रही है। मेरा बीटेक भी यहीं से कम्प्लीट हुआ और मेरा एमटेक भी यहीं से कम्प्लीट हुआ, और फिर उसके बाद जो हुआ वो आप देख पा रहे हैं। और मैं भी अपना परिचय देता हूं। नमस्कार, मैं अनुपम मनु, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो हम शुरुआत करते हैं, सवालों की एक लंबी फहरिस्त है हमारे पास, क्योंकि आप लोगों ने इस आसियाने से अपने आसियाने तक का रास्ता तय कर लिया है। तो पहला तो सवाल यही है कि सिलेक्शन कहाँ पर मिला है? इंडियन रेलवे में जूनियर इंजीनियर के लिए। और उससे पहले आपने इंजीनियरिंग की, फिर स्टडी वर्ल्ड नाम की एक जगह पर आए। क्या महत्व रहा आपके जीवन में इस जगह का, और कैसे यहाँ से इंडियन रेलवे तक का सफर रहा? इस जगह का बहुत महत्व रहा, मतलब यहाँ आपके जो माहौल मिला हमको, लाइब्रेरी है हम लोगों की, अपन आते थे यहीं पढ़ाई करते थे, मतलब सुबह 10 बजे आते थे, रात में 8 बजे जाते थे, यहीं पूरी जितनी भी पढ़ाई है दिन भर यहीं पढ़ाई करते थे। तो क्या जबलपुर के लोगों के लिए एक स्टडी सेंटर जो है, एक लाइब्रेरी जो है, तो वरदान साबित हो रही है आप जैसे युवाओं के लिए? जी, मैंने इस लाइब्रेरी को ज्वाइन करने से पहले मैं 2 लाइब्रेरी और देखा हूँ, मतलब जहाँ मैंने गया था मतलब पढ़ने, तो उन 2 लाइब्रेरी में पढ़ने के बाद जब मैं यहाँ आया, मतलब क्या है वो डिस्टेंस में दूर पड़ रही थी, फिर मैंने यहाँ ट्राई किया। तो यदि कंपेयर किया जाए तो इस लाइब्रेरी से बेस्ट जबलपुर में कोई लाइब्रेरी नहीं है। यहाँ हमको ये नहीं लगता कि हम किसी और की जगह बैठे हैं, हमें ये अपनापन फील होता है, जो यहाँ के ओनर हैं, जो यहाँ की फैसिलिटीज हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो यदि हम बताने बैठ गए तो शायद ये इंटरव्यू से ज्यादा समय लग जाएगा तो मतलब यहाँ के सभी लोग हैं, यहाँ जो माहौल है मतलब एक अपना सा लगता है, यहाँ एक पॉजिटिविटी है लाइब्रेरी में। और दूसरी लाइब्रेरी कंपेयर करें तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो मैं शब्दों में नहीं बोल सकता, तो एक लगाव सा हो गया इस लाइब्रेरी से। हम भले ही हमारा सिलेक्शन हो गया है, हम यहीं जबलपुर में हैं, लेकिन हम इस लाइब्रेरी को छोड़ नहीं पा रहे हैं।
हमें लगता है कि हम यहीं रहें, भले ही मन नहीं होता पढ़ने का, फिर भी हम एक बार आ जाते हैं लाइब्रेरी में कि हम बैठ जाएं एक बार। एक दूसरे आसियाने की तलाश में आए थे, लेकिन इसी आसियाने को अपना बना लिया। और यहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं, आप लोग भी इंजीनियर्स हैं, तो एक बुक्स को कितना समय दे पाते हैं एक दिन में, अगर बात करें कितनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं इस छोटी सी जगह पे? बहुत किताबें पढ़ती हैं, उनकी तो गिनती नहीं है, जितना पढ़ सकते उतना कमी है जी। टेक्निकल में भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन एक लिमिटेड किताब रहती है, तुम्हारा सिलेबस फिक्स रहता है कि तुम्हें हाँ ये पढ़ना है। नॉन टेक में तो अनलिमिटेड है, जितना भी पढ़ सकते हो उतना ही कम है, मतलब जितना पढ़ोगे उतना कम है, उतना कम है। टेक्निकल में पढ़ना पड़ता है, अब फिक्स रहती है टाइमिंग, 2 घंटे फ्लूड लगाना है, उसकी फिर प्रैक्टिस करनी है कुछ जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा ज्यादा है। और एक चीज और जानेंगे, ये छोटी सी जगह है, लगभग 15x10 का कमरा है, और इस कमरे में 55 विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं। कहते हैं जब बहुत सारे बर्तन होते हो तो खटपिट होती है, तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी होता है? वही है ना, ऐसा बोलते हैं लोग, यदि घर की बात घर में रहे तो ज्यादा बेटर होता है, तो वही ये जगह है, तो यहाँ खटपट होती है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग एक दूसरे में एडजस्टमेंट करते हैं वो बहुत शानदार है, मतलब उसका हम कोई बखान नहीं कर रहे हैं, आप हम बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहे हैं, मतलब सपोर्टिव है, जो पढ़ते हैं वो भी सपोर्टिव है, और जो इस लाइब्रेरी के ओनर है वो भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। और यहाँ पर आप लोगों को कौन सी बाहरी पुस्तकें मुहैया करवाई जाती हैं, जो लाइब्रेरी की तरफ से मुहैया करवाई जाती हो, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो हमें ऐसा लगता है कि आप लोग अपने घर से लेके आते होंगे, तो और कौन सी चीजें यहाँ, पुस्तकें कौन सी मुहैया करवाई जाती हैं? नॉन टेक की पुस्तकें मिल जाती हैं यहाँ पर, जीएस की पुस्तकें रहती हैं, जो भी जनरल नॉलेज जनरल साइंस की पुस्तकें मिल जाती है, बाकी अपना टेक्निकल है तो हम खुद ही लेके आते हैं अपनी पुस्तकें। और जो बाहर है, जब वातावरण में पर्यावरण में हम जाते हैं, तो वहाँ हवा बहती है, क्या इस कमरे के अंदर फैक्ट्स बहते हैं, तथ्य बहते हैं क्या यहाँ पर, फैक्ट्स बहते हैं? बिल्कुल बहते हैं, माहौल रहता है, बिल्कुल, बहुत डिस्कशन करते, सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये क्या है कि अपन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, एक दूसरे से डिस्कशन कर पाते हैं अपन दोस्तों में, जो भी नहीं आ रहा है कोई भी किसी से पूछ लेता है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि अपन डिस्कस कर पाते हैं, अकेलापन नहीं लगता, अकेले में बोर हो जाता है ना, डिप्रेशन में आ जाता है इंसान, ऐसा कुछ नहीं, अपन डिस्कस कर पाते हैं, माहौल देता है, यहाँ की सांस ही तथ्य है, यहाँ की सांस में कह सकते हैं हवा में फैक्ट्स घुले हुए हैं पूरी तरीके से, मतलब पढ़ाई की होती है ओनली, मतलब केवल चल रहा है कि ये, मतलब जीएस की बात कर रहे थे, पानीपत का युद्ध कब हुआ है, मतलब ये चल रहा है, हाँ ये सब चलता रहता है, यही यहाँ की जुबान है, यही यहाँ का मिजाज है, यही यहाँ का बखान भी है, बखान जितना करें उतना कम है। और यहाँ पर देखिए पर्सनल ट्यूटर नहीं होते हैं, कोई पर्सनल ट्यूटर, हर जैसे कोचिंग्स में हम जाते हैं तो पर्सनल ट्यूटर होते हैं, लेकिन जब कभी कोई सवाल दिमाग में उलझन पैदा करता है तो उस उलझन को सुलझन में बदलने के लिए क्या कोशिश करते हैं आप लोग? सबसे पहले क्या रहता है, जब हम लाइब्रेरी में आते हैं तो एक अकेले आते हैं जी, हमारा उद्देश्य रहता है कि हम यहाँ अकेले होके पढ़ेंगे जी, मतलब सब दुनिया से दूर, सारी चीजें दूर, फोन बंद करके और भी चीजें, लेकिन क्या होता है ना, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, अपने आप को बहुत सारे दिमाग में हर किसी के बहुत सारे सवाल घूम रहे होते हैं, लेकिन वही है ना, जो व्यक्ति इन सवालों को साइड में रख के और पढ़ लेता है तो व्यक्ति आगे निकल जाता है। और रही जैसा आपने पूछा कि सुलझने उलझने बहुत सारी दिमाग में आते हैं, तो अब उनको कैसे क्लियर करते हैं, तो सबसे अच्छे जो लोग होते हैं अपनी जिंदगी में वो होते हैं अपने मित्र, और या फिर जो जैसे मैं सिविल का हूँ, सिविल इंजीनियरिंग मेरी ब्रांच है, तो यदि वही लोग इसी लाइब्रेरी में है तो अपन उससे डिस्कस कर सकते हैं। और रही जिंदगी की सवालों की बात की, यार स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज्यादा, फैमिली का प्रेशर है, और भी चीजें दिमाग में आती है, ऐसा नहीं क्योंकि अपन एक शांत दिमाग से बैठते हैं तो अपने सवाल बहुत सारे आते हैं, तो वही है ना कि सच्चे मित्र यदि आपके साथ हो तो इस दुनिया से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो वही है, उनसे अपन डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन मिलता है अपन को, तो एक राहत सी महसूस होती है और फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। मित्र बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है मित्र जिंदगी में, बहुत ज्यादा आप डिप्रेशन में हो तो सबसे ज्यादा मोटिवेशन देंगे तो तुम्हारे मित्र देंगे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, मित्र बनाना चाहिए, मेरा मानना है कि वो आपको सही रास्ता और सही दिशा दिखाते हैं, वो आपके अच्छे समय बुरे समय में हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपका बुरे समय है जो आपके अपने वो छोड़ जाएंगे, लेकिन मित्र कभी नहीं छोड़ेगा, बहुत आगे ले जाएगा वो आपको। और इस संस्था के जो फाउंडर हैं रोहित और विश्वास, तो अपने छात्रों पर कितना और रोहित विश्वास जता पाते हैं? देखिए यदि माना जाए तो जब ये लाइब्रेरी ओपन हुई थी तो हम 2 या 3 लोग थे जी, ये वो लोग भी जानते हैं, मतलब फाउंडिंग जो है पर मतलब रोहित पटेल और आनंद विश्वास जी, मतलब हम बता रहे ये अपने हैं, अपने से भी बढ़कर है, मतलब ये, मतलब ये दोस्त बोले तो दोस्त बोलना इनके लिए कम हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए वो किया है जो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, मतलब हम पढ़ते थे रूम में पढ़ते थे, लेकिन जब ये चीजें बनी, हम यहाँ आए, हमने यहाँ माहौल देखा और
इन लोग का जो रहता था हमारी नजरिया यार मोटिवेट करना, बहुत सारी बातें हैं मतलब कभी अलग नहीं लगा कि यार ये लोग ओनर टाइप के हैं तो इनके सामने अपन को ऐसा रहना ऐसा रहना, कुछ भी कमी लगती थी हम वो उनका बोलना भी रहता था भाई लोग कोई दिक्कत है तो हमको बताओ, तो यदि हम उनको बात बता देते तो उस चीज का वो सॉल्यूशन भी निकाल देते और हमको बता देते, तो ये उनकी बहुत शानदार लगी, इसकी वो तारीफ के काबिल है। और जो आज हम लोग जो है ज्ञानेंद्र हुआ मैं हुआ आप देख पा रहे हैं हम कहाँ हैं, तो कुछ ना कुछ तो इनका रहा योगदान। एक बिजनेस पर्पस एक अलग होता है लेकिन वो मैं बोलना चाहूंगा इन्होंने कभी बिजनेस पर्पस से ये कभी काम नहीं किया जी। मतलब बेस्ट जो लाइफ का एक समय रहता है ना बेस्ट हमने लाइब्रेरी में गुजारा इन दोनों के साथ जी। और एक चीज हम ये जानना चाहेंगे कि अब आप सेलेक्टेड हो चुके हैं जी। इस लाइब्रेरी से आगे बढ़ रहे हैं एक बाहरी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, क्या लक्ष्य रहेगा आगे का? देखिए ऐसा बोला जाता है कि अपनी जो जिंदगी होती है उसके बहुत सारे फेसेस रहते हैं जी। और रही कि संघर्ष और जिंदगी में कभी खत्म नहीं होता, एक संघर्ष खत्म होता है तो एक दूसरा संघर्ष स्टार्ट हो जाता है, इसलिए जिंदगी को संघर्ष ना मान के एक खुशी के साथ जिया जाए तो ज्यादा बेटर है, इसलिए कभी संघर्ष नहीं मानो। और वो जाहिर सी बात है कि कभी संघर्ष खत्म नहीं होंगे, जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होगी, जैसे अभी हमारा फेस चल रहा था कि हमको जॉब लेना है, हमने जॉब ले लिया, अब जो नया फेस आता है वो जिम्मेदारी का, परिवार की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, देश की जिम्मेदारी, तो ऐसी बहुत सारी जिम्मेदारियां जो हमेशा रहेंगी और हम उसको जिस तरीके से हमने हमारी लाइफ अभी तक जो झेलते आए हैं या जिनका सामना करते आए हैं इसी तरह हम करते रहेंगे और अच्छा नाम ऊंचा करेंगे। तो ये जो साहस मिलता है, जो हुनर मिलता है, जो ये ताकत मिलती है, तो इस जगह की भी उसमें कितनी भूमिका है? इस जगह की तो बहुत ही बहुत ज्यादा भूमिका है, इस जगह की भूमिका मानो अभी जब से हमने लाइब्रेरी ज्वाइन करी बहुत ज्यादा भूमिका है। मतलब यहाँ पे जाके बता तो रहा हूँ मैं, इतना मोटिवेट फील करते थे हम, जाके रूम में तो पढ़ ही नहीं पाते, जब से लाइब्रेरी ज्वाइन करी बस लाइब्रेरी में ही होती थी पढ़ाई, हमको ये इतना सपोर्ट करते थे, हमने कहा यार रात को 10 बजे तक लाइब्रेरी खोलनी है 11 बजे तक, तो वो सपोर्ट करते थे हमेशा 11 बजे, बोले तुम पढ़ो बस पढ़ाई करो जितना है अपन सपोर्ट करेंगे, रोहित और विश्वास दोनों का ये मानेंगे हम। लगभग कितने स्टूडेंट्स यहाँ से सेलेक्टेड हो चुके हैं आज के टाइम पर? यहाँ से 20 से 22 स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं, मतलब अलग अलग विभागों में अलग अलग डिपार्टमेंट में गए हैं सब लोग, कोई इंजीनियर में, कोई मतलब SI, कोई PSC में, मतलब सब लोग अलग अलग जगह गए हैं, सिलेक्शन काफी ज्यादा हो चुके हैं। और जो टाइमिंग है इस लाइब्रेरी का सुबह से लेकर के रात तक कितने बजे से कितने बजे तक का है? सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक है, कर सकते हैं अगर विशेष अभिरुचि है तो उस समय को बढ़ाया भी जा सकता है सहमति से। लाइब्रेरी हमारा एक घर है तो इसमें टाइमिंग जरूर है, लेकिन जो ईमानदारी से मेहनत करता है उसके लिए कोई टाइमिंग नहीं। यदि इनसे कुछ बोला जाए कि भाई साहब हमारा पेपर आराम को ज्यादा पढ़ना है तो बिजनेस को साइड में रख के वो हमारी सुनते हैं। सुबह 6 बजे भी लाइब्रेरी, सुबह लाइब्रेरी 6 बजे खोले करते हैं। अच्छा एक चीज और जानना चाहेंगे, जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं, तो जैसे सीरियल्स में हम देखते हैं कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक कंपनी होती है, ये भी एक कंपनी के तरीके से ही लगता है। जब दोपहर के टाइम पर आप लोग लंच करते होंगे एक साथ सारे के सारे लोग मिल करके, सारे लड़के और सारे लड़कियां मिल करके, क्या माहौल होता है, क्या खुशनुमा माहौल होता है, उस चीज को हम मिस कर रहे हैं इसलिए आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक तो लंच का मतलब ऐसा रहता है कि लोग अपने हिसाब से करते हैं, कि कोई कुछ लोग बाहर जाके खाते हैं, और यहाँ पे क्या है स्पेस बहुत है इस लाइब्रेरी में, बाकी लाइब्रेरी में इतना स्पेस नहीं है, यहाँ स्पेस बहुत ज्यादा है, यहाँ आप देखिएगा बाहर तो यहाँ स्पेस खाने का एक अलग से उन्होंने बना के रखा है, बहुत स्पेस है, मतलब आप जो ज्यादातर लोग वहीं जाके खाना खाते हैं, यहाँ पे पढ़ाई पे ज्यादा मतलब पढ़ाई की जाती है, नहीं तो मतलब वहीं पे जब सब सारे लोग इकट्ठा लंच टाइम पे खाना खाते होंगे तो क्या खुशनुमा माहौल होता है उस चीज का, डिस्कशन चलने लगता है, मतलब खाना खा रहे हैं वहाँ भी डिस्कशन चलने लगता है, क्वेश्चन पूछते हैं एक दूसरे से, कैसे जो तो डिस्कशन चलती है, जैसे रोटी का टुकड़ा उठाए हुए तो क्या सवाल आ जाता है, सवाल पूछ लेते हैं ना, मतलब क्वेश्चन जिसको डाउट रहता है वो मतलब नहीं मिल पाए तुम्हें तो वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ लिए थे भाई इस क्वेश्चन का आंसर दो क्या है, तो खाना खाते खाते बता देते हैं हाँ ये ऐसे होगा। क्या कभी ऐसा होता है जैसे हम दाल पे रोटी डुबा रहे हैं और सवाल आ जाता है कि भाई दाल को वैज्ञानिक नाम क्या है, जो अरहर का वैज्ञानिक नहीं, ये भी है, ये भी आ जाता है, सिचुएशन क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल आते हैं, सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब मजे भी आते हैं, उलझन है सारी की सारी सुलझन में बदलती हैं और सारा का सारा स्ट्रेस गुल हो जाता है, कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जो समस्याएं होती हैं वो इस दरवाजे के बाहर ही रहती हैं और यहाँ आकर के पूरा मोड पॉजिटिव माहौल रहता है मेरा ये है। लेकिन कंटिन्यूस मेहनत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब लोग क्या होते हैं कंटिन्यूटी नहीं बना पाते जीवन में, वो सबसे ज्यादा आपने 1 महीने ज्वाइन करी फिर बंद, लेकिन अपन लोग आए अपन ने जब से लाइब्रेरी ओपन है जब से कंटिन्यूस लाइब्रेरी आ रहे हैं, तो आपको कंटिन्यूस मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको सफलता पानी है। कभी कभी आपके दिमाग में आएगा यार मैं तो सफल ही नहीं हो रहा, 1 नंबर से 0.1 नंबर होता है सबके साथ होता है, लेकिन आपको वहां से
छोड़ना नहीं है उस चीज को, वही तो एक पॉइंट होता है, टर्निंग पॉइंट होता है उस टाइम पे, आपको लगता है नहीं यार अब सब कुछ खत्म, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वहीं से आपको आगे बढ़ना, एक नया रास्ता खुल रहा है आपको, वहीं से घर वालों का भी प्रेशर रहेगा, बहुत से लोगों को बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम रहती है, शादी की प्रॉब्लम रहती है, एज भी बढ़ती जाती है ना, तो बस आपको मेहनत करते रहना चाहिए, सक्सेस जरूर मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी आपको, अपने जो भी सपने देखें वो मिलेगा। जिस जगह पर ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, असल में वहीं से एक नई शुरुआत शुरुआत होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, आपका बोलना चाहिए, जैसे मित्र ज्ञानेंद्र धाकड़ ने बोला है कि आदमी को कंटिन्यूस मेहनत करना चाहिए, मतलब ये नहीं कि आप दिखाने के लिए मेहनत कर रहे हो, मेहनत ईमानदारी से हो तो, मैंने मतलब मैंने लोगों को देखा है और मैं देखता आ रहा हूँ, जो व्यक्ति हमेशा से लगा हुआ है, एक साल नहीं हुआ सिलेक्शन कोई बात नहीं, दूसरे साल लगा हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन अल्टीमेटली उसका सिलेक्शन हुआ है, मैं हमेशा देखता हूँ, ज्ञानेंद्र को देखा मैंने, बहुत टाइम से मेहनत कर रहा और भी लोग हैं मेरे जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो ये कि कंटिन्यूस एफर्ट, यदि आप कंटिन्यूस एफर्ट वो भी ऑनेस्टी के साथ लगा रहे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, मेहनत छोड़ना नहीं है आपको, मतलब ऐसा है माना जाता है कि कहते नहीं आप कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, आप फल की इच्छा मत करिए, मेहनत करते रहिए, आप करते रहिए, मतलब मेहनत, और ऐसा है माना जाता है कि आप मेहनत करोगे तो आपको जरूर मिलेगा ही, लेकिन क्या होता है जो लोगों को नहीं मिल पाता वो क्या है बीच में छोड़ जाते हैं, कुछ भी समझते हैं, लेकिन आपको वहीं से आगे बढ़ना, कैसे भी स्ट्रगल कर, यही तो स्ट्रगल की फेज है, जब ही तो समझोगे, फेलियर नहीं मिलेगी ना तो सक्सेस का मजा भी नहीं आएगा, वो भी बहुत जरूरी है, कैसे आएगा विदाउट फेलियर आप समझोगे, स्ट्रगलिंग फेज भी जरूरी है, फेलियर भी जरूरी है जीवन में, उसी अपनी असफलताओं से ही इंसान सीखता है कैसे सफल होना, मजा भी आता है फिर आपको जब उसके बाद आप इतना मेहनत स्ट्रगल करके आप अच्छा अपना गोल पा लेते हो तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, घर वालों को प्राउड फील होता है, वो घर वाले भी हमेशा लगते हैं हाँ बच्चा आज अच्छी जगह पे पहुंच गया, उनकी भी टेंशन दूर हो जाती है, संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी, बिल्कुल बिल्कुल बड़ी होगी, और ये जीवन का एकमात्र सत्य है, बिल्कुल बिल्कुल, वही है ना कि जब हमको लगने लगी नहीं जिंदगी यहाँ खत्म है, वही तो एक पॉइंट होता है जिसमें अपने आप को संभाल के रखना, यदि आपने वहां संभाल लिया, वही है ना कि यदि आपका मूवी की एंडिंग यदि अच्छी होती तो मूवी हिट होती है, तो वही एक जो पॉइंट रहता है, यदि वहां आपने आपको संभाल लिया तो आप निकल गए आगे, और हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, बोला ना कि जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, आपका नजरिया है कि आप उन संघर्षों को कैसे देखते हो, यदि आपने उस संघर्ष को झेल पाए तो आप आगे बढ़ पाए, तो ये और जिंदगी हमेशा ऐसे फेस करते चला जाता है। एक चीज संस्कृत में पढ़ी थी, प्रयत्नो विधेया, मतलब प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो, सफलता मिलेगी, और ये माहौल यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे लोग करते हैं प्रयास, नहीं छोड़ते, और देखो सफल हो रहे हैं, 20 से 22 लोग सिलेक्टेड हुए, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मतलब आपको बताऊं यहाँ पे कोई ट्यूशन देने वाला नहीं है, कोई ट्यूटर, कोई शिक्षक नहीं है, सब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं डाउट आते हैं तो, और सफलता मिल रही है लोगों को, कंटिन्यूस मेहनत बस यही है। और जब इस संस्था की शुरुआत हुई थी, आप लोगों ने बताया कि आप संस्था की शुरुआत से ही जुड़े हुए, तो क्या उद्देश्य था, किस उद्देश्य को लेकर की संस्था को शुरुआत की गई थी, और क्या अब वो उद्देश्य पूरी तरीके सफल हो पा रहा है ऐसा मानते हैं? जैसा कि इस लाइब्रेरी के ओनर रोहित पटेल और आनंद विश्वास हैं, ये खुद एक इंजीनियर है। अच्छा, तो इन्होंने देखा यहाँ का माहौल कि यार इंजीनियर जो लोग होते हैं, यदि उनको प्रॉपर एक जगह मिले बैठने की, या प्रॉपर से यदि वो अपने आप को समय दे पाए तो उस चीज, क्योंकि वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे थे, उनका भी हो रहा है, आगे पीछे भी सफल हो रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया और उन्होंने सोचा है कि यार यदि ऐसा कुछ करा जाए, जैसे वो तो खुद करेंगे उस चीज को, लेकिन लोगों का भी फायदा होगा। जब उन्होंने खोला तो हम 4-5 लोग ही तो जो लाइब्रेरी आने स्टार्ट हुए, तो वहां उन्होंने एक उद्देश्य था कि भाई जो लाइफ में यदि वो करना चाहते हैं, यदि वो खुद उस चीज को सामने वाले को दे दें तो ज्यादा बेटर होता है, और उनसे एक खुशी मिल रहा था, एक सुकून मिल रहा था, तो उन्होंने उस चीज को किया, उनको एक खुशी, एक सुकून मिला। एक चीज और जानना चाहेंगे, आप दोनों लोग इंजीनियर हैं, आज देश की बात करते हैं तो हजारों लेखक ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग करके लेखक बने हैं, बहुत सारे ऐसे दूसरे फील्ड हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं दूसरे फील्ड जो इंजीनियर जो है तो हर जगह मिल जाता है, आखिर ये इंजीनियरिंग का कीड़ा है कैसा कि जो किसी भी फील्ड में घुस जाता है और जो तो एक मिसाल कायम कर देता है। इंजीनियर कोई एक व्यक्ति नहीं है जी, इंजीनियर एक सोच है जी, और वो सोच ऐसी है ना कि व्यक्ति को हर परिस्थिति के झेलने के लिए तैयार करती है, चाहे वो कोई सी फील्ड हो, बैंकिंग हो, PSC हो, UPSC हो, रेलवे हो, आप हर कहीं इंजीनियर हो पाएंगे, आप क्यों पा सकते हैं इंजीनियर्स को, मतलब ऐसा बोला जाता है कि जब आदमी इंजीनियरिंग कर रहा होता है ना तो पूरे सेमेस्टर तैयारी नहीं करता, जस्ट एग्जाम के एक दिन पहले तैयारी करता है, और एक दिन में ही वो इतना कर लेता है कि सामने वाला बोलता है कि आदमी पूरा 6 महीने से पढ़ रहा है, जो होगा देखा जाए। मतलब वो क्या है ना, वो उस परिस्थितियों के लिए तैयार होता है, अपने आप को तैयार कर रहा होता है, तो
इसलिए लाइफ में कोई भी दिक्कत आती इंजीनियर कभी फेल नहीं होगा, हमेशा झेलता जाएगा और झेलता आया है। आप देश के बड़े बड़े पद पे देखिएगा, यदि आप उनका डिटेलिंग से आप पढ़ेंगे तो उनकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं एक इंजीनियर रहे होंगे, मिल ही जाएंगे आपके इंजीनियर। आप बड़े किसी का भी नाम ले लो, आप इंजीनियर मिलेंगे ही आपको, हर फील्ड में मिलेंगे। ऐसी मशीनरी है कि जीवन की जिंदगी की मशीनरी भी खोल करके किसी भी जगह फिट कर देते हैं, जगह फिट मिल हर जगह फिट भी हो जाते हैं वो, किसी भी माहौल में किसी भी समस्या को हल करने में भी मतलब वो होते हैं, सक्षम होते हैं और उन्हें बहुत कुछ सीखते हैं कॉलेज में जहां वो इंजीनियरिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल किताबी ज्ञान सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं वो, जीवन कैसे जीना है, परिस्थितियों से कैसे लड़ना है। एक इंजीनियर बहुत कुछ बहुत स्ट्रगल करता है अपने, बहुत संघर्ष करता है अपने जीवन में। हमने इंजीनियरिंग को लेकर के फिल्म देखी है थ्री इडियट, एक असल इंजीनियरिंग कॉलेज और थ्री इडियट की मूवी में कितनी समानता दिखाई देती है? समानता है, ऐसी बात नहीं है, समानता है, लेकिन क्या होता है कि इंजीनियरिंग एक टाइम पे भी, अभी तो फिर भी ठीक है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज खुल गए थे, लोग बिना मतलब वो है नहीं उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो भी इंजीनियरिंग एक दूसरे को देख के इंजीनियरिंग चूज कर ली, तो वहां दिक्कतें आती थी, मतलब इंजीनियरिंग नहीं करनी थी फिर भी इंजीनियरिंग कर ली थी, उन लोगों को दिक्कतें आती थी, नहीं उसमें बहुत सही दिखाया गया है थ्री इडियट में। क्या कहीं ना कहीं हम ये भी मान सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग का भौकाल है एक तरीके से, जो पेरेंट्स होता है उसके नजर में दो चीजें होती हैं, या तो डॉक्टर बन, या तो डॉक्टर बन जाओ या तो इंजीनियर बन जाओ, या तो बेटा इंजीनियर बनेगा, बायो लिया तो बेटा डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, दो चीज। लेकिन जो इंजीनियर्स होते हैं उनके मन में कोई ना कोई दूसरी शौक होती है, कोई ना कोई दूसरा फील्ड होता है, इसलिए जैसे इंजीनियरिंग छूटती है वैसे ही वो लेखक बन जाता है, नॉवेलिस्ट बन जाता है, पोएट्री करने लगता है, या फिर अपनी मनपसंद चीज की तरफ भाग जाता है, कुछ ऐसा है क्या? हाँ जाते हैं, ऐसा ही होता भी है, मतलब जो भी उनका इंटरेस्ट होता है इंजीनियरिंग के बाद, देख ही रहे हो आप चेतन भगत जी लेखक बन गए, और भी लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं, कुमार विश्वास कवि बन गए और एक्टर भी बने हैं, राइट, और मतलब आपके नेता भी मिलेंगे, सुल्तान सिंह राजपूत से अपने एक्टर थे, आपको नेता पॉलिटिक्स में भी मिल जाएंगे, देखो अभी जो रेल मंत्री है वो भी इंजीनियर थे। तो कहने का मतलब ये है कि बिना शौक के भी लोग जो जब इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो अपने शौक को भी जो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। एक पैसन रहता है ना कि मतलब एक व्यक्ति सोचता है कि अपने पैसन को फॉलो करना, तो जब आदमी कुछ पाल लेता है तो फिर उसकी तरह उसको रुझान होता है कि उसको वो करे तो वो करता है फिर बाद में, और उसको उस चीज में खुशी मिलती है। तो ये ना कि आदमी को अपनी लाइफ खुशी से जीना चाहिए, जब आदमी खुशी पहचानना जान जाए तो उसकी लाइफ सफल हो जाती है, तो बस उस चीज को करता रहता है। आप दोनों ने हमसे बातचीत की और इस लाइब्रेरी के बारे में, अपने सफर के बारे में और अपनी नई मंजिल के बारे में भी बातचीत की, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।